तो हेलो गेमर्स, तो आज अपन गेम प्ले करने वाले हैं स्लेंडरीना द सेलर का, और ये गेम भी पीसी पर आ चुका है। तो चलो ठीक है, अपन बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट गेम प्ले पे आ जाते हैं, क्योंकि इस गेम के बारे में बताने की तो किसी को भी कुछ भी जरूरत नहीं है, ये गेम के बारे में सब जानते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ सेलर वन, सेलर टू, सेलर थ्री, अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या, ये मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, अपन सेलर वन से खेलते हैं। यहाँ डिफिकल्टी अपन मीडियम पर रख लेते हैं। यहाँ पर आते ही साथ एग्जिट मिल गई। यू फर्स्ट नीड टू फाइंड ऑल द बुक्स टू एग्जिट। अच्छा, मेरे को 8 बुक्स चाहिए। ओके, तो यहाँ मेरे पास 3 डोर है और मैं इस गेम में रन नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, स्लेंडरीना के बारे में तो सबको पता होगा भाई, वो अचानक धप्पा करती है और मेरे को पहली बुक तो स्टार्टिंग में ही मिल गई। चलो ये सही रहा। और स्लेंडरीना तो भाई बहुत ही खतरनाक है, मेरे को ग्रैनी ग्रैंडपा से ज्यादा कोई खतरनाक लगता है ना, तो स्लेंडरीना है। क्या बात है भाई साहब, दूसरी बुक मिल गई। ओके, हार्ट अटैक से बचे, बस 1-2 बीट और स्किप करनी थी भाई, हार्ट अटैक आ जाता और मैं डर की वजह से मैं वही रास्ता वापस आ गया। वैसे इस औरत ने ज्यादा शो नहीं किया, ये रूम में तो प्रैंक कर दिया, कुछ भी नहीं है बे। तो ठीक है तो कुछ तो आवाज आई ना, पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अकेली स्लेंडरीना है भाई, इसे कौन ही डरेगा। ओके, और ये सेलर मैप वगैरह काफी कंफ्यूजिंग रास्ते लगते हैं भाई मेरे को, यहाँ एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, बस डेड एंड है। मुझे एक्चुअल में याद नहीं है मैं किस रास्ते से आया था, ये एकदम ही सिमिलर लगती है भाई सारे रास्ते। ओके, ये अपने आप हुआ है, सामने मेरे को एक चाबी दिख रही है, अभी तुम टॉर्च वॉर्च जला दो, हम तो खड़े ही हैं बस। ओके थैंक्स, वैसे टॉर्च क्यों बंद करी थी, ये सब ड्रामे कर लेती हो तुम, चाबी ले ले भाई। ओके ओके, इजी, शांत रहा कर थोड़ी तू, वैसे तू शांति थी, बस 1 की। अच्छा, इसी रूम की की थी है, धप्पा करोगी क्या, वैसे तुम तो सामने देख रही हो क्या, धप्पा करो है नूब, इस बार नहीं डरे हम तो। यहाँ क्या मैं इससे डरने आया था, अबे चाबी लगवा के कौन डरवाता है, यहाँ एक्चुअल में कुछ नहीं है यार। क्या है ये, स्लेंडरीना पागल हो चुकी क्या, मैं उससे डरने गया था क्या वहाँ, और डरा भी नहीं पाई वैसे वो। यार फिलहाल अपन को बुक ढूंढनी है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं वही रास्ता वापस आ गया हूँ, एकदम ही सिमिलर है भाई ये सारे रास्ते, ये देखो डेड एंड पे वापस आ गया मैं। स्टार्टिंग में तो भाई रास्ते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं एक्चुअल में, और खास कर स्लेंडरीना का गेम हो तो और ही ज्यादा। ये कोई नई जगह है, द डोर इज लॉक्ड, अब इसकी भी मेरे को चाबी ढूंढनी है यार। वो एक, अबे यार पागल औरत, मैं उसकी वजह से पूरा घूम गया, पर ठीक है यहाँ की मुझे चाबी ढूंढनी है, तो चाबी तो ठीक है ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे भी दरवाजे हैं तो जरा चेक करें, अबे कुछ भी नहीं है दरवाजों के अंदर, ये वाले के अंदर यार इसमें भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे खून है तो कुछ होने वाला है, कोई है, द डोर इज लॉक्ड, वेरी गुड। अब मुझे एक बुक तो मिली, मतलब रुकना भाई 1 सेकेंड, सांस ले लिया कर। चलो ठीक है, फिलहाल 3 बुक हो गई और ये लॉक है, कोई डरने की बात नहीं। अरे क्या ये, क्या है, पागल वागल है क्या, थोड़ी सी उड़ती हुई आ गई, मेरे को एक चाबी दिखी वहां, तो मत निकालना खामा का, गंदी सी आवाज है। वाह, चौथी बुक मिल गई, और फिलहाल मुझे जो चाबी दिख रही है अपन चलते हैं, वो चाबी लेके आते हैं, और वो स्लेंडरीना धप्पा करने वाली है भाई पक्का। देखा, मुझे लग ही था लेकिन फिर भी मैं डर गया, कोई बात नहीं, अपन को एक चाबी मिली है और मेरे को 2 डोर मिले। 1 सेकंड यार, ये रूम भी देख ही लेते ना, हाँ ठीक है यहाँ कुछ नहीं है, तो ठीक है मेरे को 2 डोर मिले हैं जो लॉक है, और उनमें से किसी एक में तो ये लग जाएगी, तो चलो ठीक है। अरे यहीं लग गई, ओके, यहाँ खून तो था लेकिन कुछ है ही नहीं, अबे अजीब पगला हो तुम लोग यार, ये लॉक रूम है, ये सब प्रैंक करने के लिए है क्या यार, इनसे अच्छे तो जो, अबे आराम से 1 सेकंड यार, बात तो कर रहे थे, इनसे अच्छे तो बिना लॉक वाले रूम है भाई, उनमें कम से कम बुक वगैरह तो मिल रही है, लॉक वाले रूम में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। फिलहाल अपन को 4 बुक मिल गई, एक रूम यहाँ पर भी है, ओके खुल गया भाई, ये तो काफी बड़ा रूम लग रहा है, एक चाबी भी मिली है मेरे को, शायद वो जो लॉक रूम था ना वो ये खुल जाएगी इससे। तो 1 सेकंड, यहाँ पे एक बुक और मिली है, उठा ना मेरे भाई, और तो यहाँ कुछ नहीं है, एक अलमारी टाइप की है, ये खुल सकती है, ओके पर खाली है, पप पागल वागल है क्या, गले ही लग गई इस बार तो, ये औरत खतरनाक है, क्या गिरा रही है भाई, ये बचकानी हरकतें करके सोच रही है डरा लेगी तू मुझे लेकिन तू जब गले लगती है तब जरूर डर लगता है। फिलहाल मेरे पास एक चाबी आई है, मैं जाता हूँ और वो चाबी लगा के आता हूँ, और बस होपफुली वहाँ कुछ तो मिले यार, ये मैं 2 लॉक्ड रूम खोल चुका हूँ और दोनों बिल्कुल खाली थे। फिलहाल मुझे यहाँ की चाबी मिली थी तो हाँ यहीं की थी, ओके कोई है अंदर, अबे ये तो पूरी की पूरी जगह है भाई, 6 बुक हो गई, चलो अच्छी बात है, और सामने एक अलमारी है, ओके इजी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तू यहाँ गई है तो एक और चाबी, ओके अभी मुझे लेकिन कोई लॉक्ड रूम नहीं मिला, ये खुलेगा, खाली है, पर फिलहाल मेरे को कोई भी लॉक्ड रूम नहीं मिला है, अभी 2 बुक चाहिए, अबे रोकना पागल औरत, और अभी मेरे को 2 बुक चाहिए और एक लॉक्ड रूम भी पता करना है कहाँ है यार, मैं घूम फिर के एक ही जगह आ जाता हूँ भाई, डेड एंड पे खड़ा हो जाता हूँ, पर स्कैरी तो है भाई, स्लेंडरीना मानना पड़ेगा स्कैरी तो है, ग्रैनी ग्रैंडपा इसके सामने उतना कुछ नहीं है, तो फिर हमें कहाँ जाना है, अबे पागल वागल है क्या, दीवार के पीछे खड़ी थी, 1 सेकंड मैं यहाँ तो आया ही नहीं हूँ अभी, तो जरा देखें इधर ना, ये वाले रूम में तो कुछ नहीं है और ये डेड एंड है, अच्छी बात है, अरे यहीं की चाबी थी, अरे वाह चाबी वाले रूम के अंदर एक और चाबी मिली है, तो ठीक है फिर से मेरे पास एक चाबी आ चुकी है, और एग्जिट की तो ऑब्वियसली होगी नहीं है, मैं वहां जा चुका हूँ यहाँ जा चुका हूँ, अब बस एक ये वाला रास्ता बचा है, तो यहाँ पर पक्के में अपन को 2 बुक मिल जाएंगी और स्लेंडरीना भी मिल जाएगी पक्का हाँ ओके ओके, तेरी ऐसी पागल औरत, मुझे पता था तू ड्रामा करती हुई बस झांक रही है।
अबे नहीं और एक सेकंड, हार्ट अटैक देगी भाई औरत, एक्चुअल बता रहा हूँ मैं। एक और बुक मिली, चलो अच्छी बात है, दिल को थोड़ा आराम आया कितनी मेहनत बर्बाद तो नहीं हुई, ये वापस से डेड एंड। अभी बस अपन को एक बुक चाहिए, मेरे को एक और चाहिए। क्या मैं साइड हूँ, मैं साइड हूँ। ओके पागल वागल है क्या यहाँ, चमगादड़ टाइप की उड़ रही फिलहाल एक। अच्छा यहाँ की चाबी थी, लॉक्ड रूम में तो एक्चुअल में कुछ नहीं मिला, कैसी गद्दी सी आवाज निकाल रही पे, शांत हो पक रही ना, आने वाली होगी तू पक्का। हाँ उड़ती हुई आ जाए, वैसे उड़ती हुई टेंशन नहीं है। ओके शायद मुझे एक बुक यही मिलने वाली है, ये अलमारी खोलियो जरा। अब पागल औरत। ओके नाउ रन टू द एग्जिट डोर। ओके तो एग्जिट डोर तक रन करेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस मेरे को याद आ जाए एग्जिट डोर है कहाँ पे। तो फिर यहाँ से मुझे सीधा निकलना है और आगे से मुझे राइट लेना है, मैं शिफ्ट क्यों दबा रहा हूँ, इसमें रन नहीं कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं, ये भी डेड एंड था। प्लीज मत मिलियो, प्लीज मत मिलियो यार, मेरे पास एक जो चाबी आई है। यो बे तेरी पागल औरत। ओके बच गए। हाँ तो फिलहाल मैं ये बोला था, अपने पास एक जो चाबी आई है ना, ये पक्का एग्जिट डोर की ही चाबी है। अब मैं पूरा रास्ता भटक चुका हूँ भाई, एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा एग्जिट डोर कहाँ पर था। नहीं 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 मैं रास्ता नहीं भटका, मैं भटकते भटकते सही जगह पहुंच गया। और ओके ये चाबी लग गई, इजी, ये तो कंप्लीट हो गया यार। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मैनेज टू फाइंड ऑल द मिसिंग बुक। यार तो अपना पहला मैप तो इसका कंप्लीट हो गया, और अभी फिलहाल मैप 2 और मैप 3 बचे हैं, मतलब सेलर 2 और सेलर 3 बचे हैं। तो फिलहाल तुम लोग बताना अपन को सेलर 2 और सेलर 3 का गेम प्ले करना चाहिए या नहीं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना जो जो होता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.